गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देख सकते हो क्या हालत हो गया है मेरा। तो सभी बड़ों को प्रणाम देती हूँ, छोटों का ढेर सारा प्यार देती हूँ। मैं हूँ झुमा, इंडियन ब्लॉगर झुमा। झुमा के चैनल में सबको स्वागत है फिर से एक बार। टाइम हो गया है 11 और मैं आज थोड़ा ठीक हूँ, तो सोचा आप सबके साथ मेरा अच्छा बुरा सब दिन शेयर करती हूँ, तो ये भी शेयर करूँ। मेरा हालत बहुत ख़राब था, बहुत। तो आप थोड़ा सा सुधार है, पर मैं हॉस्पिटल से आ गई हूँ, अब घर पे ही सारा कर रही हूँ। हॉस्पिटल से एक दिन रह के आ गई और बाकी का यहीं कर रही हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में रहना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो इसीलिए। और घर को ही मैंने हॉस्पिटल बना दिया है। यहाँ पे अभी डॉक्टर इंजेक्शन लगा के गए, डस्टबिन यहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है इंजेक्शन वगैरह जो लगा रहे हैं। और नॉडी मेरा बहुत परेशान हो रही है, बहुत परेशान हो रही है कि मेरा क्यों लगा है। तो ये बार बार आके मेरा ये खोल दे रही है, और देखो उसको इतना समझा रहे हैं। और रात भर मैं सो नहीं पाई, पूरी रात जाग रही, पूरी रात बिल्कुल बैठे लेटे कटाई। तो चलो जो भी है आपके साथ यही शेयर करूँगी। शनिवार का दिन है, बेटी को स्कूल नहीं भेज पाई आज। मेरे लिए मेरा बेटी का भी नुकसान हो रहा है, बहुत बहुत नुकसान हो रहा है। और नॉडी तो समझदार भी है और ना समझदार भी है, क्या ही बोले। तो सुबह तो नारियल पानी पिया था, नारियल पानी के बाद मैं अभी एक की भी बेटी मतलब तो काट के देगी तो मैं खा लूँगी, एक ही खाऊँगी अभी, इतना तो खाया जाएगा नहीं। तो चलो काट लेते पहले कीवी को। तो कीवी तो खा लिया था, कीवी खा के गले में ना इचिंग सी होती है मुझे, तो अब लेके आए खिचड़ी बना के एकदम गरम गरम और पतला। डॉक्टर ने बोला था खाओ तो खाली खिचड़ी खा सकते हो, बाकी दाल चावल रोटी सब्जी कुछ नहीं खाना है। तो अभी आके दूसरा लगा के गए, तो ये दूसरा है, और इंजेक्शन दे के गए तो बोले कि शाम को आऊँगा, जब तक ये चलता रहेगा, जब तक खा के दवाई खाओ रेस्ट करो। तो यही है मेरा रूटीन। और मेरा बेटी खा रही है थोड़ा अचार के साथ चावल फ्राई, आज कुछ भी नहीं है। तो चलो खा लेती हूँ। मेरे को नींद आना चाहिए। तेरी नींद तो पहले भी हुई है। तो कैसे? सुना नहीं पड़ना है। तो हमारी नॉडी ना डॉक्टर को गुस्सा कर रहे थे, क्यों लगा रहे हो। और देखो नॉडी का नाम लिया, नॉडी हाजिर हो गया। नॉडी मैं ठीक हूँ, नॉडी मैं ठीक हूँ। बंद हो गया माता, बंद हो गया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल रात को डॉक्टर आए थे, दिखाया था थोड़ा बहुत, दिखा पाए थे नहीं हो रहा बिल्कुल कुछ भी। तो बस अभी आएंगे फिर देखेंगे, फिर ब्लड टेस्ट होगा। और आज तबीयत भी बहुत ख़राब लग रहा है, बिल्कुल नहीं चल पा रही। और आप देखो मुझे के भी समझ सकते हो, सांस तक लिया नहीं जा रहा। तो बेटा कहता है कि वीडियो ना बनाओ, मैंने कहा अगर मेरा फ्रेंड्स को थोड़ा बहुत भी ना दिखाऊँ तो समझेंगे कि झुमा नहीं आ रहे, हमारी वीडियो नहीं देख रहे। तो क्या पता इससे आपको पता चले कि हाँ मैं किस लिए नहीं देख पा रही आप सबका वीडियो। तो अभी मैंने थोड़ा सा चाय पिया, और अभी थोड़ा सा हस्बैंड की भी काट के दे रहे हैं, वही खा रही। संडे आज, आज मुझे मथुरा जाने का प्लान था तो नहीं जा पाई मथुरा। और की खाती हूँ, खा के फिर डॉक्टर आएंगे, फिर आप सबसे यहाँ पर जाती हूँ, ठीक है। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मॉर्निंग में दिखाई थी, उसके बाद तो मैंने थोड़ा सा दाल का सूप पिया था, नारियल पानी, ये फ्रूट वगैरह पी रही हूँ। तो मुझे डॉक्टर ने इतना अच्छा कर दिया कि मेरा एक दिन में ब्लड रेट उन्हें 50,000 बढ़ा दिया। तो मेरा डॉक्टर साहब को दिल से थैंक यू सो मच।
तो अभी जाना है मुझे थोड़ा चेकअप के लिए। अभी बेटा नहा के आ रहा है, शाम की 6 बज रहा है और मैं जाऊँगी थोड़ा चेकअप करा के आती हूँ। बस यही चेकअप कराना है। तो 3 दिन से नींद की दवाई खा रही हूँ, नींद की दवाई ले रही हूँ पर नींद नहीं आ रही है। तो कह रहा है कि एक बार आँखें चेक करके जाओ, तो मैंने कहा चलो बेटा आएगा तो बेटा ही लेके जाएगा चेकअप के लिए, तो चेकअप के लिए जाऊँगी। तो चलो वीडियो तो इतना सही से बना भी नहीं पा रही हूँ, शरीर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं आपको बोल के वीडियो को एंड कर दूँगी फिर आके, ठीक है। तो चलो पहले से मैं अच्छा हूँ इसीलिए मैंने आपको, मेरा फ़र्ज है आपको बोलना कि मैं पहले से अच्छा हूँ बेहतर हूँ, तो ये मेरा फर्ज था, फर्ज है। तो चलो आऊँगी आके आपसे करती बात करूँगी। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल शाम को गई थी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। उसके बाद तो कुछ मेरा होश कुछ पता ही नहीं था, होश भी नहीं था, कुछ पता ही नहीं था, तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाई आप सबसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और आके तो नींद भी नहीं आ रही थी, बड़ी मुश्किल से 2:30 बजे नींद आई और फिर 4:30 बजे नींद खुल गई। तो उस समय से जगते जगते फिर मैंने कहा क्या करूँ, तो उठ के थोड़ा सा नहाई क्योंकि ड्रिप रात को बेटा ने और हस्बैंड ने मिलकर खोल दिया था, ख़त्म हो गए थे, एंड हो गए थे, साथ में लगाया। अब राइट हैंड पे लेफ्ट वाला खोल दिया, वो कल शाम को मैं गिर भी गई थी थोड़ा, उससे वो ख़राब हो गया। तो फिर उठ के थोड़ा सा नहाना क्या, बस 2 मग पानी डाला, डाल के थोड़ा सा मैंने भगवान को पूजा दे दिया। मांडे हैं तो व्रत तो नहीं है पर थोड़ा सा भगवान को जल डाल के पूजा दे दिया। और दिखाती हूँ, तो ये जल डाल दिया, भगवान को पूजा दे दिया है और यहाँ पे रखा है प्रेस करने के लिए। तो प्रेस तो मैं कर नहीं पाऊँगी, अभी साथ से है तो प्रेस करने रखा है। और यहाँ पे दाल बैठा है, ये चाय बन गई, ये हस्बैंड का चाय है। और यहाँ पे आलू काट रहे हैं हस्बैंड, तो आलू की भुजिया बनाएंगे, दाल बनाएंगे, तो बेटा का ऑफिस के लिए हो जाएगा। तो फिर मिलूँगी मैं नया ब्लॉग के साथ। आप लोग अच्छा रहना, खुश रहना, ऑल टाइम स्माइल करते रहना, टाटा बाय बाय। थोड़ा और अच्छी हो जाऊँ उसके बाद ही बनाऊँगी। तो चलो आप लोग भी बहुत अच्छा रहना, अपने केयर करना।